नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं, मैं शिवम, आप सभी देख रहे हैं एसडी न्यूज। भारतीय किसान यूनियन संयुक्त की महापंचायत ब्लॉक बछरावा में आयोजन हुआ, जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। दूर दराज से आए हुए किसानों को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने सरकार द्वारा कृषि कानून बिल लाए गए तीन तीन कानूनों का काला कानून बताया, और वक्ताओं ने कहा कि आज तक किसानों को सरकार ने ये नहीं बता पाई कि पब्लिक सिटी की कैसी किसानों का फायदा क्या होगा, आने वाले भविष्य में किसानों का भविष्य का क्या होगा, कहां से फायदा होगा। ये तीनों काले कानून हैं और किसान इनका विरोध 80 दिनों से कर रहा है, और जब किसान कानून बिल वापस नहीं होंगे तब तक इन कानूनों का विरोध होता रहेगा। वक्ताओं ने कहा यह सरकार जन विरोधी है, किसान विरोधी है। आज तक किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। राम के राज्य में इतनी महंगाई में आम जनमानस किस तरीके से तृप्त है। सरकार टैक्स पर टैक्स लगाती चली जा रही है, इसमें किसानों को उद्योगपतियों का फायदा हो रहा है, जबकि किसान और किसान परिवार अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं। पंचायत में प्रमुखता से भारतीय किसान यूनियन, फेस मजदूर किसान यूनियन, स्वराज किसान अभियान के पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि 90 रुपए में पेट्रोल पहुंच चुका, और किस तरीके से किसान भाई अपना दिन दैनिक जीवन चर्या यापन करेंगे, मजदूरी करते हैं, जो किसान होते हैं वो फसल कैसे, जहां नहर की सुविधा नहीं है वहां पर किसान भाई लोग हमारे दिन रात मेहनत करके बोरिंग से सिंचाई करते हैं, आखिर डीजल पेट्रोल आकाश छूरा, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आखिर कैसे किसानों की आय दुगनी हो सकती है। आज तक से लगभग 6 से 7 वर्ष बीत गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश में, लेकिन अभी तक किसानों की आय कहीं दुगनी नहीं दिखाई दे रही है। आखिर मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, यहाँ जो हमारा जानवर छूटे हुए हैं वो किसानों की फसल बिल्कुल बर्बाद कर चुके हैं, और यहाँ किसान दिन रात मेहनत कर रहा है, खेत ताकता है, मेहनत करता है, लेकिन ये हमारा पशु की वजह से किसान बिल्कुल तृप्त हो चुका है, गेहूं की फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है। आखिर कैसे इस मुसीबत से सरकार किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रही, ये तो साफ हुआ कि जब अंदर आंखी पावे तब जाने, ये तो साफ क्लियर हो रहा है कि ये अंधविश्वास किया जा रहा है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है। आखिर वही तीनों कृषि कानून बिल जो लाए गए वो किसानों के विरोध में है। बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपति आपके किसान आपके खेती को एग्रीमेंट लीज पर ले लेंगे, जमीन आपकी रहेगी, आपकी खेती नीलाम हो जाएगी, आप उनके बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। तो क्या इसी तरीके से सरकार किसानों की आय की दुगनी करने की बात कर रही है? ये जो हमारा पशुओं इन पे कब अंकुश लगेगा? किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, किसानों से देश चलता है, किसान अन्न नहीं उगाएगा तो ये बड़े बड़े राजनेता उद्योगपति बड़े बड़े क्या मिट्टी खाएंगे? किसानों की ही मेहनत की देन से आज आप लोग अन्न ग्रहण करते हैं, और वही किसानों को गुमराह किया जा रहा है, किसानों को अंधकार में रखा गया है। आने वाले समय में हम आप जिंदा नहीं रहे तो राष्ट्रीय व्यवसाय राष्ट्र के लोग राष्ट्रीय बिल को भी बाहर कराएंगे और आपके सम्मान को भी ले जाएंगे। दूसरी बात, अभी ये छत्तीस चुनाव है, उसको पहले एक लाख का फोन बता वो ये संसद सदस्यों का संख्या चिंता करी है कि 5 करोड़ के आसपास मरीज कहेंगे, देश को बचेंगे, जनता को गुमराह करेंगे, फसल को डालेंगे, किसान को दफन कर देंगे, किसान को मार देंगे, सारा राज्य करेंगे। ये आज सौ जनता का सवाल इस बात से किसानों काले कानून आए आए पहले भी ये हुआ है, आज किसान के ऊपर ये सरकार को हो और उस पर बोलते नहीं हो, जिस दिन अपनी लाठी
हमारी महिलाएं माताएं बहने हत्या उठा लेंगी, इनका खेत सिधा लेंगी। इन नेताओं को बीजेपी के नेता गवर्नमेंट उठने नहीं चाहिए। इस बार आप सत्ता परिवर्तन करो, सत्ता परिवर्तन की तरफ जब आंखें उठेगी आपके तो नेता आपके दल में चाटेंगे, चाहे मोदी जी हो या मोदी जी के बाप भी हो। कोई भी नेता आपके बिना चल नहीं सकता है भारत के अंदर। आपको उठना होगा, जागना होगा। और महात्मा टिकैत जी ने अपनी दिल्ली में ताकत दिखाई थी। एक सप्ताह रुके थे हम लोग दिल्ली, चार दिन रुके थे, सारे दिल्ली को गंदा कर दिया था। प्रधानमंत्री मजबूर होकर के बात टिकैत से बात महात्मा टिकैत से बात किया और उनकी मांगों को मानने का काम किया। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खा गए शक्कर पी गए तेल, ये देखो मोदी का खेल। खा गए शक्कर पी गए तेल, ये देखो मोदी का खेल। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आता हूँ एक घटना के लेके लखनऊ की। उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी थे, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह अम्बर दास उसमें प्रदेश के अध्यक्ष थे। ये त्यो पार्क हमारी पंचायत चल रही है।